हेलो दोस्तों, मैं वैजंती। हमारे इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसी तरह ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स की नई नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आइए आज हम जानेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा बताता है। पुरुषों में इनकी मात्रा 12 से 16% तथा महिलाओं में इनकी मात्रा 11 से 14% के बीच होनी चाहिए। शरीर में खून की कमी या एनीमिया तब होता है जब शरीर में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की उनकी निर्माण की दर से अधिक होती है। भारत में 80% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। एनीमिया एक गंभीर बीमारी है। इसके कारण महिलाओं को अन्य बीमारियां होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। हमारे शरीर के सिराओं और धमनियों में जो खून बहता रहता है उसमें करीब आधा भाग रक्त कणों का होता है। यह रक्त कण ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। प्रति मिलीलीटर खून में 5 मिलियन रक्त कण मौजूद रहना जरूरी होता है। एनीमिया के सामान्य लक्षण हम आपको बताते हैं, जैसे त्वचा का सफेद दिखना, जीभ, नाखूनों एवं पलकों के अंदर सफेदी, कमजोरी एवं बहुत अधिक थकावट महसूस होना, अचानक बैठकर उठने पर चक्कर आना, चक्कर के दौरान आंखों पर अंधेरा छा जाना, सांस फूलना और बेहोशी की हालत, चेहरे पर एवं पैरों पर सूजन दिखाई देना, शरीर का शक्तिहीन हो जाना भी एनीमिया होता है। एनीमिया या शरीर में खून की कमी तब होती है जब हम लौह तत्व या आयरन वाली चीजों का उचित मात्रा में सेवन नहीं करते हैं। आयरन की कमी से शरीर ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स बनने में कमी आती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन रिच ब्लड कम डिलीवर होता है। अगर आपको भी शरीर में खून की कमी या एनीमिया है या इनके लक्षण आपको भी महसूस हो रहे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि हम आपको बहुत सी आसान घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसे इस्तेमाल कर आप एनीमिया जैसे बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे विटामिन ए व विटामिन सी वाली चीजें खाएं, खाना लोहे की कढ़ाई में पकाएं। खून की कमी को दूर करने के लिए मेथी, पालक और भदुआ नामक भाजी का सेवन करना चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन शरीर को प्राप्त होता है। गिलोय के 3 पत्तों को करीब 150 ml पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक पानी 80 ml ना हो जाए। अब इस पानी को ठंडा करके पी लें, इससे भी आपको फायदा होगा। इसके अलावा गाजर का जूस पीना व रोजाना गाजर खाने से आयरन मिलता है व एनीमिया दूर होता है। एवं टमाटर को काटकर उस पर काली मिर्च व सेंधा नमक छिड़ककर खाना चाहिए। यह टमाटर का जूस बनाकर पिएं, इससे खून की कमी की समस्या दूर होगी। इसके अलावा उबले हुए देसी काले चने का सेवन एनीमिया को दूर करता है। नियमित इसका सेवन करें, इससे भी आपको फायदा होगा। इसके अलावा सोयाबीन का आटा लेकर इसमें थोड़ा सा गेहूं आटा मिलाकर चपाती बनाएं और रोजाना इसकी चपाती का सेवन करें, एनीमिया दूर होगा। इसके अलावा चुकंदर को खाने के साथ सलाद के रूप में प्रतिदिन शामिल करें व इसका जूस सप्ताह में 2 बार पीने से एनीमिया ठीक होता है। एनीमिया के रोगियों को रोजाना 1 गिलास दूध का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा फल, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नियमित रूप से करें, इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और एनीमिया की समस्या भी ठीक होगी। इसके अलावा विटामिन डी और फॉलिक एसिड को डाइट में शामिल करें एवं 10 मुनक्के और 5 अंजीर को 1 गिलास दूध में उबालें, फिर इसका नियमित सेवन शुरू करें, इससे भी फायदा होगा। इसके अलावा सेब के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना पीने से खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा प्रतिदिन खाली पेट 20 मिलीलीटर एलोवेरा का जूस पिएं, इससे भी फायदा होगा। साथ ही साथ तुलसी के पत्तों को नियमित रूप से सेवन करने से एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को खून की कमी है या आयरन की कमी से एनीमिया है तो ऐसे लोग ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। अखरोट का सेवन बहुत फायदेमंद है। पके हुए आम का सेवन व अंगूर भी लाभकारी है। इसके अलावा आप मूंगफली, किशमिश, आलू बुखारा को अपनी डाइट में शामिल करें।
तनाव और चिंता को कम करें, नियमित व्यायाम करें और विटामिन सी को भी अपने आहार में शामिल करें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अब मैं वैजयंती आप सभी से विदा लेती हूँ। तो दोस्तों, हमारी ब्यूटी टिप्स और हेल्थ टिप्स की नई नई जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हे गाइस, आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हे दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बी केयरफुल, बी सेफ। थैंक यू।